नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर एमपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है, लेकिन ये अपडेट उन स्टूडेंटों के लिए भी है जो 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं। ये बहुत ही शानदार अपडेट है एमपी बोर्ड की तरफ से। ये बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट इस बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये दोस्तों ये हो पाया कोरोना वायरस की वजह से। तो दोस्तों क्या बड़ी खुशखबरी है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। दोस्तों ये खुल रखी है यहाँ पर एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे कि इसका लुक पूरी तरीके से आपको बदला हुआ नज़र आ रहा होगा, तो यही है यहाँ पर इसका बदलाव का। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें बताई गई दोस्तों। यह वेबसाइट पूरी तरीके कस्टमाइज कर दी गई है। इसमें देख सकते हैं स्कूल वाला ऑप्शन अलग से दिखेगा, स्टूडेंट वाला अलग से दिखेगा। इसमें इनरोलमेंट, सिलेबस, लर्निंग मटेरियल सब कुछ आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह यहाँ पर मिलेंगे, टीचर्स, एम्प्लॉयमेंट। और सबसे खास बात है यहाँ पर आपको देखने की बात होगी, एग्जामिनेशन परीक्षाओं से संबंधित यहाँ पर जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन पेपर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 10वीं और 12वीं के, और रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, और ई बुक वगैरह आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके बाद ये चीज़ यहाँ पर अलग से दी गई है। लेकिन आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, तो एरर ये वेबसाइट वाले बहुत जल्द ठीक कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि आप ई बुक कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पर ई बुक पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर अध्याय की जानकारी सेलेक्ट करना हो, जैसे कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। यहाँ से 9 से 12 तक कोई भी स्टूडेंट है तो वहाँ पर आप ई बुक पूरी जानकारी मतलब कि बुक यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 12 को सिलेक्ट। माध्यम आपको यहाँ पर ये माध्यम दिए गए हैं आपको, हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, उर्दू माध्यम, मराठी माध्यम। तो आप किस माध्यम है उस माध्यम को आपको सिलेक्ट करना होगा। टाइटल, शीर्षक, आप किस कि यहाँ पर ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, केमिस्ट्री का मैं यहाँ पर गणित भाग एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ही आपको यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च के आइकन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अध्याय की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे देख सकते हैं। इसे आप दोस्तों वीडियो के तौर पर भी देख पाएंगे, ऑडियो के तौर पर सुन सकते हैं, और इसका आपको PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट इस सारे जो भी एमपी बोर्ड की तरफ से ये नया फीचर लॉन्च किया गया है उसका उस डाउट नेट। बच्चों अब किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उसकी फ़ोटो लेना, उसे क्रॉप करना, और 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, महाराष्ट्र बोर्ड का हो, या फिर किसी अदर स्टेट का हो, चाहे IIT, GMains, NEET, क्लास 6 से 12 सवाल, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी में लाइव क्लास, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का यूज कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, जानकारी ले लें और उसका फ़ायदा उठाएं। क्योंकि यहाँ पर वीडियो लेसन भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, इसे ऑडियो के तौर पर भी दिया गया और असाइनमेंट के तौर पर भी दिया गया, और इस वेबसाइट में पिछली ओल्ड ईयर्स के पेपर भी देख ओल्ड ईयर के आपको पेपर ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस सभी को अच्छी तरीके से देख लें। ठीक है, चलिए अब देख बताते हैं और इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए गए हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैक। इसके बाद यहाँ से आप लोग परीक्षाओं से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, क्वेश्चन पेपर आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे, और ई बुक आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये नया फीचर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।